Hey guys, this is Raj Kadum. Back with another video. मैं अभी इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था एंड यूट्यूब पे भी देख रहा था. सो द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इज हियर. तो आज हम करने वाले फुल डे ऑफ ईटिंग. आज मैं बताऊंगा कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाता हूँ. मैं पूरे दिन में अराउंड 2800 कैलोरीज खाता हूँ. 180 टू 200 ग्राम प्रोटीन मैं 3-1 रेशो में खाता हूँ. 3 इज माई कार्ब्स, 2 इज माई प्रोटीन एंड 1 इज माई फैट. इट्स 7 AM राइट नाउ. मैं अभी जस्ट नहा के बैठा हूँ यहाँ पे वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए. सो इट्स टाइम फॉर माई फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड इट्स माई ओट्स. सो मैं ओट्स अभी लेके आता हूँ. सो फर्स्ट मील ऑफ द डे हाई प्रोटीन ओट्स. मैंने इसकी रेसिपी आपको पहले भी दिखाई है. लिंक विल बी हियर एंड डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी. सो दिस इज माय फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड इसके साथ में 2 होल एग्स भी खाता हूँ. ये मील खाते खाते यूजुअली वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे या फिर मैं रिसर्च पेपर्स रीड करता हूँ जिससे मुझे नॉलेज मिलती है अबाउट फिटनेस. एंड इसके मैक्रोस इट्स अराउंड 600-800 कैलोरीज. सो दिस इज माय फर्स्ट मील ऑफ द डे. आई एम गोइंग टू ईट दिस मील नाउ. मैं अभी इसे फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ. 6 hours later. So guys, I have been editing since morning. मैंने पूरा NCC का वीडियो एडिट किया सुबह से. अगर आपने अभी तक NCC का वीडियो नहीं देखा, watch it, link will be in the description. It's 12:30 right now and मैं अभी second meal of the day लेने वाला हूँ. Second meal is my bhurji and bread. So I'm going to eat it now. तो अभी मैं उसे बनाता हूँ एंड लेके आता हूँ. उसकी भी रेसिपी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली है. So it will be here and link will be in the description too. So do watch it. अगर ये आप दाल में जो घर में बनती है वही यूज करता हूँ. मेरे लिए सेपरेट दाल नहीं बनती. बस इसमें ऑयल कम यूज किया रहता है एंड तड़का वगैरह नहीं देता. सो इट्स प्लेन दाल एंड राइस. दिस इज द ब्यूटी ऑफ माई डाइट. मतलब मैं जो घर में बनता हूँ वही खाता हूँ. बस थोड़े से मेरे ट्विक्स होते हैं, जैसे कि मैं पनीर भुर्जी की जगह पर कभी कभी सोया चंक्स भी खाता हूँ. सो आई एम गोइंग टू ईट इट नाउ एंड अभी प्री वर्कआउट मील के टाइम पे मिलते हैं. 2 hours later. इट्स अराउंड 5 राइट नाउ एंड मैं 6:30 को जिम को जाता हूँ. सो इट्स टाइम फॉर माई प्री वर्कआउट मील. एंड प्री वर्कआउट मील में मैं सेम मील लेता हूँ जो मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ. सो दीज हियर आर माई प्रोटीन ओट्स जो मैं अभी खाने वाला हूँ. सेम एज ब्रेकफास्ट, दिस इज द बेस्ट मील ऑफ द डे एंड आई नो दिस मील इज गोइंग टू गिव मी दैट पंप, दैट फकिंग पंप. मैन, यू गोना लव इट. जस्ट गिव अ शॉट फॉर दिस मील. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ट्राई दिस रेसिपी मैन, इट्स फ्रीकिंग ऑसम. 1 hour later. इट्स 6 राइट नाउ एंड इट्स टाइम फॉर माय प्री वर्कआउट ड्रिंक. प्री वर्कआउट ड्रिंक में मैं कॉफी पीता हूँ. दिस इज 200 ml कॉफी ऑफ 100 ml मिल्क एंड 100 ml वाटर. एंड इसमें मैंने टेस्ट के लिए शुगर फ्री डाला है विच गोना हेल्प मी नॉट बम्प अप द कैलोरीज. सो आई एम गोइंग टू ड्रिंक दिस नाउ एंड विल बी गोइंग टू द जिम. मिलते हैं जिम के बाद. 2 hours later. बैक फ्रॉम द जिम गाइज एंड अभी मेरी पोस्ट वर्कआउट मील या पोस्ट वर्कआउट शेक का टाइम है. सो इट्स 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन एंड 1 scoop ऑफ क्रिएटिन. तो अभी मैं इसे पीऊंगा. लास्ट मील ऑफ द डे डिनर को मिलते हैं. 20 minutes later. इट्स टाइम फॉर माय लास्ट मील ऑफ द डे डिनर एंड इट्स 200 ग्राम चिकन एंड 1 chapati जो ऑलमोस्ट 70 grams की है. तो चिकन की जगह पे कभी कभी एक भुर्जी भी रहती है मेरी. Because I don't want to get bored. कभी कभी पनीर भुर्जी भी रहती है, कभी कभी सोया चंक्स भी रहते हैं. ये था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग. तो ये रोज का डाइट रहता है. अभी मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ 2800 कैलोरीज पे. एंड होप सो आपको इससे कुछ सीखने को मिला. एंड इफ यू कैन एड माई मील्स टू योर डाइट देन डू लेट मी नो. एंड आपको अगर मेरा डाइट फॉलो करना है तो आपके वेट के अनुसार आपके कैलोरी सरप्लस में निकालो एंड उसके बाद थोड़े से चेंजेस करके आप डाइट फॉलो करो. एंड हमारा इंडियन डाइट अच्छा है, बस उसमें थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. आप घर का खाना भी खा सकते हो. जस्ट इंक्रीज योर प्रोटीन सोर्स. जो भी आप प्रोटीन जहाँ से भी ले रहे हो जस्ट ट्राई टू इंक्रीज इट. हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करो एंड डिस्ट्रीब्यूट करो. ये स्मॉल चेंजेस ही आपका डाइट सस्टेनेबल बनाने वाले. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.
मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ अबाउट फिटनेस, अबाउट हेल्दी ईटिंग, रेसिपीज, वर्कआउट, इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड वो बेल वाला आइकन भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।